उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह कर तो नहीं रहे, बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की प्यार मोहब्बत और यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, उसका टाइटल है जी, फर्स्ट पाकिस्तानी हिंदू विजिट राम मंदिर अयोध्या इन इंडिया, पाकिस्तानी टू इंडिया राम मंदिर, विनय कपूर इनके नाम है जी। और अभी वीडियो देखते हैं और पहली दफ़ा इनके चैनल भी देख रहे हैं, अगर आपको भी पसंद आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। बिल्कुल। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शुक्लान इकबाल सोगा, लेट्स स्टार्ट। राम जी के दर्शन करने के लिए मैं बहुत ज्यादा बेचैन हूँ। ये है हनुमानगढ़ी। जय श्री राम। कहाँ से है सर आप? हम कनाडा से। फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं मंदिर जी के दर्शन करने के लिए। फाइनली मुझे एक कपूर मिल चुका है, तो आपका नाम क्या है? समृद्धि कपूर। फ्रेंड्स, ये है सरयू घाट। जय श्री राम। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए व्लॉग्स में। सो फ्रेंड, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या के अंदर, और अभी मैं जाने वाला हूँ हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि हनुमानगढ़ी के अंदर मौजूद है। और कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि जो भी अयोध्या के अंदर आएगा वो सबसे पहले तुम्हारे दर्शन करेगा। सो हम भी हनुमान मंदिर के दर्शन करने के बाद जाएंगे भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि, और ये सारी यात्रा जो है वो मैं नंगे पाँव करने वाला हूँ, बिकॉज जब हमारे भगवान श्री राम जी 14 वर्ष तक जो वन में नंगे पांव चल सकते हैं, तो हम तो उनके भक्त हैं। ये जो पूरी अयोध्या नगरी मेरे लिए एक मंदिर की समान है। उसके बाद गाइस, हम जो बाकी सारी प्लेसेस कवर करेंगे, जैसे कि दशरथ महल हो गया, और कनक भवन हो गया, और सरयू घाट, और मुझे यहाँ के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और अपने भाई को जो माफ़ कर देना कोई गलती हो जाए तो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना यार, जितना हो सके सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए और ले आऊं। सो फ्रेंड्स, आपको रूम टूर करवाते हैं। तो ये है अपना रूम, डबल बेड वाला रूम है, और ये कंबल है, और एक एक्स्ट्रा कंबल रखा हुआ है यहाँ पे, तो काफ़ी क्लीन है। था अपना रूम जो कि पड़ा हमें तकरीबन 2200 रुपये के अंदर, और काफ़ी बढ़िया था, और ये था डबल बेड। तो अब छोड़ के जाने का समय हो चुका है, तो अपना बैग वैग पैक कर लिया है, तो अब जा रहे हैं बाहर की ओर। ये है अयोध्या धाम जंक्शन, जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उतना ही बाहर से खूबसूरत है। सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं आगे की ओर, और यहाँ पे देख सकते हैं जगह जगह आपको भगवा कलर के झंडे नज़र आएंगे। और अयोध्या के अंदर ज़्यादा ट्रैवल के लिए जो वो ई रिक्शा यूज़ किया जाता है, जिसका जो रेंट 10 रुपये के लेकर 50 या 100 या 150 के बीच बीच में ही होता है, तो आप ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। तो अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, और हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोग जो है वो दूर दूर से आए हुए हैं, और दूसरी साइड पे देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने जो गले के अंदर एक कार्ड पहन रखा है, वो स्पेशल ट्रेन जो है सिर्फ अयोध्या के लिए चलाई गई है। तो देखें, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट हो चुका है बारिश के बाद। और ये देख सकते हैं हम फाइनली जो पहुँच चुके हैं हनुमानगढ़ी की तरफ, और अभी यहाँ पे जो है दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे आगे की ओर। तो ये है गाइस बाहर का व्यू, देख लें। अभी हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी की तरफ, और यहाँ पे जो है वो काफ़ी भीड़ है, और काफ़ी लोग जो है लाइनों में लगे हुए हैं, और ये पूरा जो हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को लाइन दिखाता हूँ, यहाँ से जो लाइन शुरू हुई है हनुमानगढ़ी के लिए। जय श्री राम। ये है हनुमानगढ़ी, और देख सकते हैं कितनी भीड़ है, काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, हर भक्त जो है अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स, अभी कुछ ही पल बचे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं हनुमान मंदिर के अंदर, और आप लोगों को भी हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। तो ये देखें, सामने ही हमारे जो है वो हनुमान जी विराजमान हैं, और दर्शन करके खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ मैं। आपको जगह जगह दीवारों पर हनुमान चालीसा और मंत्र लिखे हुए नज़र आएंगे। और ये है हनुमान मंदिर, और भगवान श्री राम ने वैकुंठ धाम जाते हुए हनुमान जी को अयोध्या का राजा बनाया था, इसलिए जो है अयोध्या में आने के टाइम सबसे पहले जो है वो हनुमान जी के दर्शन करना ज़रूरी होता है।
पास में ही भगवान श्री राम जी और माता सीता और लक्ष्मण जी का मंदिर है, और यहाँ पे दीवारों पे जगह जगह आपको जो है वो हिंदी में मंत्र लिखे हुए नजर आएंगे। फाइनली जो है वो हनुमान गढ़ी के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगा। काफी भीड़ थी, मतलब क्या संडे का दिन है तो काफी लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन जी का दर्शन करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से है सर आप? हम कनाडा से। कनाडा से आए हो? मैं और मेरी धर्मपत्नी। अच्छा, पहले भी आप आए हैं? नहीं, पहली बार आए जी। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। राम मंदिर के दर्शन कर लिए? नहीं, अभी जाएंगे, अभी हनुमान जी से परमिशन ली है। अच्छा, अब वहाँ जाएंगे। सही से। आपका कौन सा चैनल? विनय कपूर व्लॉग्स। विनय कपूर व्लॉग्स। व्लॉग्स। ओके सर, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। श्योर। देखिए कितनी खूबसूरत गलियां हैं हनुमान गढ़ी की। तो मैं तो यहाँ के कलर देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं डमरू वाले भाई साहब भी बैठे हुए हैं, और काफ़ी जो है लोग जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो गाइस, ये है माखन मिश्री और बहुत ही टेस्टी है, और ओनली 20 रुपए की है, हनुमान गढ़ी के पास मिलती है। आइए और खाइए। हम पहुंच चुके हैं राम मंदिर, जो कि अयोध्या के अंदर मौजूद है, और पावन धरती के ऊपर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आप लोगों को जो है वो भगवान जी के दर्शन कराने की कोशिश करूंगा। तो अभी मॉर्निंग का समय है, काफ़ी भीड़ है। फ्रेंड्स, ये है मंदिर सामने की ओर, तो चलते हैं मंदिर की ओर। फ्रेंड्स, ये है मंदिर के बाहर का व्यू, देख लो काफ़ी यात्री आए हुए हैं। था मंदिर का मुख्य द्वार, और अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, और देख सकते हैं सभी कर्मचारी जो है वो बारिश के अंदर भी अपनी ड्यूटी को है पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, और हम सभी भक्तों के लिए। और इस तरफ देख सकते हैं काफ़ी भक्त जो है वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे मॉर्निंग हो रही है, मेन डोर है गाइस मंदिर का। अभी हम अयोध्या धाम के अंदर जो प्रवेश कर चुके हैं, अब जा रहे हैं हम भगवान जी के दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स, फाइनली आगे की ओर बढ़ रहे हैं और मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की ओर जो छतें बनाई जा रही हैं, ताकि गर्मी के टाइम जो भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। तभी हम जा रहे हैं मंदिर जी के दर्शन करने के लिए, तो पीछे काफ़ी यात्री जो आ रहे हैं, और सुबह का टाइम है, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने अंदर के जो मतलब भावनाएँ हैं, जो वर्ड्स है, वो बयान नहीं कर पा रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ। और भगवान जी ने मुझे यहाँ पे मौका दिया दर्शन करने के लिए। तो गाइस बने रहे, कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी दर्शन करवा पाऊँ, और आगे सेलफोन ले जाना अलाउ नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा। तो फाइनली मुझे एक कपूर मिल चुका है। तो आपका नाम क्या है? समृद्धि कपूर। यू मे सर्च ऑन गूगल एज वेल। ओ भाई साहब। अच्छा, तो आप पहली बार आए हो? जी। किसके साथ आए हो? अपने फ्रेंड के साथ। फ्रेंड के साथ बस दो लोग ही आए हो? अच्छा, पंजाब में कौन सी जगह से हो? अबोहर, बठिंडा के पास। बठिंडा के पास में आए हैं। तो ये समृद्धि कपूर है, और हम दोनों कपूर को आप फॉलो करो, जितना भी सपोर्ट करो। तो मंदिर में आने के बाद आपको मतलब कैसा लग रहा है? बहुत, लिटरली बहुत भावुक है, इतना मतलब भगवान जी ने बुलाया, वो भी इतनी जल्दी। अच्छा, ठीक है। तो जय श्री राम। सो गाइस, देख सकते हैं काफ़ी लोग दूर दूर से आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स, आ चुके हैं मंदिर के हॉल के अंदर। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़े लेवल पे जो मंदिर को बनाया जा रहा है, हर तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और सुबह सुबह का समय है, देखो काफ़ी भीड़ आ चुकी है, और हर तरफ जो वो जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, और बहुत ही दिल को मोह लेने वाला व्यू है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है राम जी के दर्शन करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ, भगवान जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ और दर्शन कर सकूँ। इस तरफ पानी का स्टॉल लगा हुआ है, काफ़ी भीड़ है। फ्रेंड्स, पूरे मंदिर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ किया जा रहा है, और आने वाले कुछ ही सालों बाद जो है इस मंदिर का पूरा लुक ही चेंज होने वाला है। तो अभी हम चल रहे हैं लॉकर रूम की तरफ, और अपना जो सामान वो लॉकर रूम में रखेंगे। इस तरफ लॉकर है, जहाँ पे आप सामान रख सकते हो, अपना कीमती सामान वगैरह रख सकते हैं। फ्रेंड्स, भगवान श्री राम जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, और मंदिर के अंदर जो है वो कैमरा अलाउ नहीं है, ये मैंने कुछ क्लिप्स ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए, और बाहर जो है मैंने किसी से रिक्वेस्ट करके जो सेल फोन लिया था, ताकि मैं थोड़ा सा बाहर से भी व्यू दिखा सकूं। सो फ्रेंड, इस मंदिर के अंदर जो सीमेंट का बिल्कुल सुना है कि यूज़ नहीं किया गया, और इसका जो पत्थर टोटल है वो राजस्थान से यूज़ किया गया है, और ये मंदिर जो हज़ारों साल तक ऐसे ही चमकता रहेगा। फ्रेंड्स, दर्शन वगैरह करके बाहर आ चुके हैं, और देख सकते हैं अब बिल्कुल जो एग्जिट होने वाले हैं, और यहाँ पे आपको जगह जगह जो मंकी बंदर मिलेंगे, और ये है हमारे पीछे मंदिर। जय श्री राम। जय श्री राम।
फ्रेंड्स पूरे राम मंदिर के अंदर और भी मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो ये देखें काफ़ी काम जो है वो चल रहा है और अभी हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप शूज़ वगैरह अपने जमा करवा सकते हो, तो यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है, मतलब आने वाले यात्रियों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए। तो ये देख सकते हैं राम जी के दर्शन करने के बाद रूह जो है वो मन मुक्त हो जाती है और बस राम और राम और राम जी का नाम। फ्रेंड इस पेड़ में खूबसूरत लाइटें लगाई हुई हैं जो रात के समय बहुत ही सुंदर दिखती हैं। फ्रेंड दर्शन वगैरह कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं बाहर की ओर। अभी हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं कनक भवन की तरफ, वो चंद ही कदमों की दूरी पे है। तो गाइस चलते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स है जहाँ से जो मंदिर का सामान मिलता है, प्रसाद वगैरह और बाकी चीज़ें जो मंदिर के काम आती हैं। पहुँच चुके हैं कनक भवन जहाँ पे जो भगवान श्री राम जी सीता माता के साथ रहते थे, तो ये भी अंदर से काफ़ी खूबसूरत है। अभी हम अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं और हर तरफ जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब कि काफ़ी मंदिर बन रहे हैं, नए नए घर बन रहे हैं और होटल्स वगैरह। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ फैमिली के साथ आएँ तो आपको स्टे वगैरह की, लंगर वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कमेंट्स में लिख देना जय श्री राम। और बहुत बढ़िया लग रहा है घूम के, और यहाँ पे जगह जगह आपको भंडारे चलते हुए दिख जाएंगे। तो इस तरह भंडारे वगैरह भी चल रहे हैं और काफ़ी जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और अयोध्या का जो आने वाले समय में पूरा लुक जो है चेंज होने वाला है राम जी की नगरी का, और हम भी नंगे पाँव घूम रहे हैं। भगवान जी ने मौका दिया कि मैं यहाँ पर आया और हनुमान जी के दर्शन किए और राम जी के दर्शन किए और अयोध्या के गलियों के दर्शन किए। मुझे बिल्कुल अपने घर के जैसा फील लग रहा है। अभी हम अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं और पूरे पूरे घर जो है वो भगवा रंग में रंग दिए गए हैं और हर तरफ जो है वो राम जी के जो भगवे कलर के झंडे हैं वो लगाए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं गलियों का आनंद लेके, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल जन्नत की तरह स्वर्ग की तरह लग रहा है अयोध्या धाम। और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं भगवान उन सबको जो है वो दर्शन के लिए यहाँ पे बुलाए और वो जल्दी यहाँ पे आके दर्शन करें। अभी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है तो चलते हैं और खाना वाना खाते हैं। गाइस ये पहली बार राजस्थानी थाली खा रहा हूँ मैं, वो भी अयोध्या धाम के अंदर। और ये राजस्थानी गट्टा, ये आलू की सब्ज़ी, ये पनीर, ये कढ़ी शायद, और ये दाल, और ये है खीर, और ये रोटी, और ये पापड़ खीरे। तो भैया ये राजस्थानी थाली है, तो ये ना पहली बार टेस्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स ये है राजस्थानी रेस्टोरेंट, यहाँ पे आप 150 रुपये में अनलिमिटेड खाना खा सकते हो। फ्रेंड्स अयोध्या में आके मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम हर तरफ चल रहा है, हर रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पहले ये रोडें जो है वो बहुत छोटी हुआ करती थी, लेकिन लोगों ने जो है वो अपने घर के फ्रंट तोड़कर जो मंदिर के लिए भगवान श्री राम जी के स्वागत के लिए जो है वो अपने घरों को तोड़ा और उनको पीछे किया, और जो है गवर्नमेंट ने उनको उसका मुआवजा भी दिया। सो उन्हीं सभी लोगों के लिए, उन्हीं सभी भक्तों के लिए एक लाइक तो बनता है। जगह जगह पे यहाँ पे जो है वो इको साउंड सिस्टम लगाए हुए हैं जिसके अंदर जो 24 घंटे भजन जो चलते रहते हैं। हम आ चुके हैं लता चौक पे और देख सकते हैं ये है यहाँ का व्यू, और अब चलते हैं आगे की ओर। फ्रेंड्स ये है लता चौक, यहाँ पे जो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं घूमते हैं, और अभी मैं यहाँ से जो जाने वाला हूँ सरयू घाट की ओर। फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं सरयू घाट में जो कि अयोध्या के अंदर मौजूद है, और ये वही नदी है जहाँ पे जो है श्री राम जी ने स्नान किया था। तो ये नदी जो है बहुत ही पावन मानी जाती है, मतलब के तो आप लोगों को जो है इसके दर्शन करवाते हैं। और मैं भी फर्स्ट टाइम जो है सरयू नदी के किनारे आया हूँ, तो मुझे भी यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देख सकते हैं ये है कुछ बैक का व्यू सरयू नदी का, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आगे चलते हैं और आप लोगों को जो है सरयू नदी के पूरे पूरे दर्शन करवाते हैं। फ्रेंड्स ये है सरयू घाट, तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। ये है गाइस बोट, इसके अंदर अभी हम बैठने वाले हैं और जाने वाले हैं सरयू की, और ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। गाइस अभी बोट में बैठ चुके हैं और बारिश जो तेज हो गई है, और ये है सरयू घाट, और ये है सभी यात्री।
जय सिया राम। सो फ्रेंड्स, ये है वो पावन नदी सरयू घाट, और देखें कितना खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। आगे वाला कोने वाला लक्ष्मण किला है। लक्ष्मण किला, हाँ लक्ष्मण किला। सो फ्रेंड्स, ये है लक्ष्मण घाट और आगे जो है वो है लक्ष्मण किला। फ्रेंड्स, सरयू घाट के दर्शन करके आ चुके हैं फाइनली। तो बोल दीजिए जय श्री राम। जय श्री राम। फ्रेंड्स, फाइनली जो है वो नाव से घूम के आ चुके हैं और यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। ये है राम घाट और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत व्यू है, और पानी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा साफ़ है सरयू नदी का। तो ये देखें भैया, बिल्कुल क्लीन पानी है, ठीक है ना। तो ये है सरयू घाट, बहुत ही खूबसूरत अति सुंदर व्यू है भैया। और हम भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। और अब हम जा रहे हैं क्योंकि वापस जाने का समय हो चुका है, और राम जी जो बारिश के थ्रू कृपा कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया खूबसूरत व्यू क्या हो सकता है। फाइनली जो बारिश रुक चुकी है और काफ़ी हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। फाइनली आ चुके हैं अयोध्या स्टेशन पे, तो देख सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस जो है खड़ी है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और सभी यात्री इंतजार कर रहे हैं। तो ये देखो भाई, लेकिन कंफर्ट जोन चल रहा है वो बेहतर लगता है सबसे ज्यादा। तो मैं कहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक रिलीजियस वे में इन्होंने ब्लॉग क्रिएट किया, थैंक यू सो मच। सेकंड थिंग, इन्होंने रफली क्रिएट किया लेकिन विद डिटेल था। जो और जिन लोगों को नहीं पता, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो वो जाके जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं भाई को। और पाकिस्तानी है और हिंदू फैमिली से तलक रखते हैं, और वहाँ पे जो है वो अपनी वो कह लें कि रिलीजियस जो अपनी अपना ही वो प्रेयर और क्या उसको क्या कहते हैं, यात्रा कह लें या पूजा कह लें, वो करने के लिए गए हुए हैं और साथ साथ व्लॉग भी बना रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगा जी इनका व्लॉग देखो, और इन्होंने व्लॉग बड़ा अच्छा क्रिएट किया है, बड़ा डिटेल से इन्होंने बताया भी है बीच में। और मंदिर में जाहिर है अंदर जो है कैमरा ज्यादा नहीं होती, कितने हमने ब्लॉग किए हैं वो किसी में भी नहीं होती, तो बहुत कम मंदिर होते हैं। जब वो ब्लॉग का जब इनॉग्रेशन की गई थी उसमें, वो तो एक अलग चीज है ना, फिलहाल में वही क्लिप वो तो स्टार्टिंग था ना, उसके बाद नहीं दिखाते होते, तो वो मैंने बिल्कुल शायद हो सकता है वही क्लिप यूज किए हूँ। और ये है कि फिर भी इन्होंने जो है वो ब्लॉग बाहर से बनाया, और ऊपर से इतना प्यारा मौसम बना हुआ था बारिश का, और इतनी मतलब साफ सुथरी जगह थी, लेकिन गलियां देख के मैं कह रहा था कि इधर इस हमारी तरह की गलियां हैं सारी, और लेकिन ये है कि साफ सफाई का खास ख्याल रखा गया है वहां पे, और जो चौक थी सजाई हुई थी, लोगों का रश भी देख के जो है वो भी देखा, रश भी देखा और बारिश भी हो रही थी, बड़ा यार प्यारा माहौल बना हुआ था। और जो कश्ती पे जो बोट पे उन्होंने सफर किया वो भी जो है वो मजे वाला था, और ये कह रहा था कि बारिश हो रही है, ऊपर से साउंड जो आ रहा है ना, बड़ा मजे वाला सीन होगा वहां पे। वो कह ले कि स्टील की जो प्लेटें होती है ना उसके ऊपर पानी गिरता है ना, बारिश की बूंदे गिरती है, तो एक साउंड पैदा होता है, आपको एटमॉस्फेयर जो है ना वो भी इस तरह का नजर आ रहा होता है, उस चीज को आप एंजॉय कर रहे होते हैं। गर्म ठंडी हवाएं पड़ रही होगी, अगर आप बारिश एंजॉय करने वाले लवर है ना, तो उसके बाद चाय का कप और वहां पे आप एंजॉय कर रहे हो उस चीज को, और वो भी रिलीजियस जगह पे और रिलीजियस वे में आप उस चीज को जो है परफॉर्म कर रहे हो। और क्योंकि एक व्लॉगर जो है उसके लिए बड़ा डिफरेंट होता है ये अनुभव के उसको एक ही जगह पे तीन चार चीजें मिल जाए, तो उनके लिए भी बड़ी प्रभावित की बात थी। उन्होंने कहा कि राम जी जो है वो बारिश की कृपा कर रहे हैं और हम पे एक किस्म की मेहरबानी है उनकी, आप बारिश बरस रही है उसमें। लेकिन यह है कि रैंडमली लोगों के साथ गुफ्तगू भी उनकी हुई है, वो दोनों कपूर मिल गए थे
और वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। लोग जो हैं वो बड़े फ्रेंडली मैंने देखे हैं, और एक चाचा जी तो है बीच में कनाडा से आए हुए अपनी फैमिली के साथ, वो भी इंजॉय कर रहे थे और वो कह रहे थे अभी इधर आए हैं और अभी अयोध्या में जाएंगे और वहां पे जाके प्रेयर करेंगे, परफॉर्म करेंगे। और ये है कि ये चीजें जो हैं ये रिलीजियस वे में हो तो मेरे ख्याल में लोगों में एकता नजर आती है। इन रियल वर्ल्ड वो जैसे इन्होंने कहा कि नंगे पांव जाना है, ये भी बड़ी बात थी और वो सारा ब्लॉग उन्होंने क्रिएट किया। उन्होंने बताया ना कि राम जी ने जो है वो 14 साल वनवास में नंगे पांव ये उनका प्यार और मोहब्बत और रिस्पेक्ट कह लीजिए राम जी के लिए थी, बिल्कुल, जिस वजह से उन्होंने नंगे पांव वो चले और व्लॉग क्रिएट किया, बहुत अच्छा व्लॉग क्रिएट किया। और यहाँ पे क्राउड जो देखा है लोगों का, और लोगों का क्राउड देखने के बाद ये उन लोगों के लिए एक एडवाइस कह लें, एक लेसन कह लें, जो ये कहते थे कि राम मंदिर बनने के बाद क्या होगा, एक अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, देख लें क्या हो रहा है कि आउट ऑफ कंट्री से लोग आना शुरू हो गए हैं। यही प्लानिंग थी गवर्नमेंट की, और इंडियन जो गवर्नमेंट जो थी वो बड़ी सोच लेके चले हैं, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया है। सोच क्या है वो जाहिर है यार, उनके अपना वो स्थान है, एक स्थान है, और दूसरा ये करना ही करना था, हिंदुस्तान का विकास है, ये पूरे हिंदुस्तान के हर पर्सन के लिए प्राउडली एक फीलिंग है, क्योंकि इतने सालों की जो लड़ाई थी उसमें फतेह हासिल की और इस चीज को बनाने में सक्सेस हुए। और हर देश में यही चीज होती है कि जो रिलीजियस इस तरह की प्लेस होती है ना, वो अगर जिस तरह इंडिया ने संभाल के रखी हुई है, जिस तरह इंडिया इनकी कर रही है कि तरक्की के काम वहां पे कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो इस तरह से टूरिज्म जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। फॉरेन लोग ज्यादा करते हैं, बहुत बिल्कुल बहुत करती है। और यहाँ पे जो घाट दिखाई गई है सरयू घाट, जहाँ पे राम जी ने स्नान भी किया था, उस घाट के भी आप लोगों राम जी ने किया था या लक्ष्मण जी का कह रहे थे, लक्ष्मण जी का तो आगे है वो नदी के साथ दूसरी साइड पर था, लक्ष्मण घाट और लक्ष्मण किला वो दूसरी साइड पे था, तो वो भी लोगों को देखने को मिला, वो जगह का भी दर्शन हमने भी किया है, आप लोग भी जरूर कीजिएगा कि जहाँ राम जी और सीता जी मिले हैं। और यहाँ पे एक चीज देखने को मिली है कि जो भगवान जी हैं उनका आदेश है कि पहले जो है कि हनुमान जी के दर्शन करने हैं और उसके बाद भगवान राम जी के पास आना। नहीं, उन्होंने कहा था कि पहले आपके आपके दर्शन करेंगे, उसके बाद मेरे पास मेरे पास आया करेंगे। ये वैसे मतलब कह लेंगे एक प्रेडिक्शन की है और एक कह लेंगे दुआ दी है, अपने भगवान से मोहब्बत कह लें, हाँ ये कह लें, ये भी है। लेकिन मैंने वो मेंशन किया था बहुत पहले एक दो वीडियो में, माखन का जिक्र किया था, तो हरी भाई हंस रहे थे कि ये क्या वर्ड तुमने यूज किया। असल में मक्खन बोलते हैं, तो मैंने माखन ना पहली दफा सुना इसके मुंह से, कहता है नहीं वो उधर बोलते हैं, लेकिन अभी फिर सुना वो माखन, पहले वीडियो की थी जिसमें ठीक है, बिल्कुल हनुमान जी को मक्खन पसंद था ना, माखन चोर उनको बोला जाता था, यही है। हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की जुबान को सीखें, जैसे आप लोगों का लहजा सीखने का मकसद यही है कि हमें जो है वो नॉलेज आए और बोलने में आसानी होगी, फिर हम समझने में आसानी, इंटरेक्ट आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से हो, बिल्कुल, जैसे हमें जाहिर है कोई चीज समझ ही ना आए अगर लैंग्वेज की वजह से, तो फिर हम क्या आगे रिएक्शन, इंटरेक्शन नहीं हो सकती, बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि अगले बंदे को भी तो समझ, बिल्कुल, आपकी जुबान को सीखेंगे तो आपको समझाने में आसानी होगी। डीपली वर्ड जब आ जाते हैं हिंदी के तो हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब पूरा पैराग्राफ क्या है, इसका मतलब क्या है, लेकिन कभी कभी पूरा पैराग्राफ ही हिंदी का होता है तो वो मिस आउट हो जाता है, तो हम नहीं चाहते कि चीजें जो है ना मिस आउट हो, बिल्कुल। हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग हमें इतनी डीपली देख रहे होते हैं, हर एक चीज नोटिस कर रहे होते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि फुली इन्वॉल्व होके उस चीज को एंजॉय भी करें, ठीक है, और उस चीज की रिस्पेक्टेबल वे में उसको समझने की कोशिश भी करें। व्लॉग अच्छा क्रिएट किया इन्होंने, जबरदस्त मजा आया, इनको भी लाइक करें, हमें भी लाइक करें, और जो महाभारत पे रिएक्शन देखना चाहता है दूसरे चैनल पे जाएं, लिंक उसके भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, बिल्कुल लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।